Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. कुछ दिन पहले बेनजीर भुट्टो केस में रावलपिंडी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जजमेंट दी उन्होंने. मैं खामोश था, मैंने उसको सुना. गो हर एक पाकिस्तानी को उसके ऊपर गिला और तशवीश है, क्योंकि जो दो बेहतरीन पुलिस ऑफिसर यानी डीआईजी साउद और एसपी खुर्रम शहजाद, उनको तो 17 साल सजा मिल गई, और जो दहशतगर्द असली दहशतगर्द थे जेल में बंद 5, उनको छोड़ दिया गया. खैर ये बातें हुई, मैं खामोश था, मैं देख रहा था बस. लेकिन एक दिन पहले ही ये आसिफ जरदारी ने यहां से एक रिमार्क पास किया, एक खबर निकाली और मुझे एक्यूज किया है कि मैं बाय नेम यानी मैंने बेनजीर भुट्टो का कत्ल किया, मैं बेनजीर भुट्टो का मर्डरर हूं. यह पहली दफा उसने बाय नेम मुझे कहा है, यानी मुझे ललकारा है उसने. यह मेरे बर्दाश्त के बाहर था, तो मैंने सोचा मुझे अब इसका जवाब जरूर देना चाहिए, तो लिहाजा मैं इसका जवाब देना चाहता हूं. और ये जो भी मैं बोल रहा हूं, ये मैं खिताब कर रहा हूं खास तौर पे बिलखसूस बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, आसफा भुट्टो, आप तीनों को, इसके अलावा तमाम भुट्टो फैमिली और तमाम सिंध के लोग, सिंधी भाई बहन और पाकिस्तानी तमाम जो इस बेनजीर भुट्टो मर्डर को फॉलो करते रहे हैं. मैं आप लोगों से खिताब कर रहा हूं और बताना चाह रहा हूं एक एनालिसिस अपना कि बेनजीर भुट्टो साहिबा का कातिल कौन है. मैं समझता हूं कि तमाम भुट्टो फैमिली का तबाही का बाइस और भुट्टो फैमिली में मुर्तजा भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के मर्डर का रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार एक आदमी है, आसिफ जरदारी. दोनों को इसने मर्डर करवाया है. मुर्तजा भुट्टो को जो इसने मर्डर किया, उसकी तो तशवीश ये 5 साल जो गुजारे इसने प्रेसिडेंसी में कुछ के बारे में, क्योंकि खुद जो एक मुलव्वस है, खुद ने करवाया है, तो क्यों इन्वेस्टिगेट करें उसे. अब बेनजीर भुट्टो के केस पे आ जाते हैं. मुझे नाम लेना मेरा, सबसे पहले जब कोई मर्डर होता है तो उसमें देखा जब ये जाइए चाहिए देखना चाहिए कि फायदा या नुकसान किसका हुआ. मेरा तो नुकसान ही नुकसान हुआ बेनजीर के मर्डर से, फायदा एक ही आदमी को हुआ और वही जो मर्डरर है आसिफ जरदारी, उसको फायदा हुआ तमाम. तो लिहाजा अब आगे चलते हैं इसी सिलसिले में. यह तो हकीकत है कि बेनजीर को बैतुल्ला मसूद और उसके लोगों ने मारा, इसमें कोई शक नहीं है, सारा एविडेंस मौजूद है. लेकिन देखने की चीज यह है कि इस मर्डर के ये बैतुल्ला मसूद के पीछे कौन था. क्या कोई ऐसा शख्स था जो साजिश करके बैतुल्ला मसूद को उसने यूज किया और मर्डर करवाया, ये देखना है. अब मैं अपने बारे में कहना चाहता हूं, मैं तो बैतुल्ला मसूद तो मेरा दुश्मन था, मेरे ऊपर अटैक करवा रहा था और मैं तो उसको मरवाना चाह रहा था. मैं हुकूमत पाकिस्तान उसको मारना चाह रही थी और मैं चाहता था इसको खत्म किया जाए, तो मेरा तो उससे कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता.
दूसरा मैं अफगानिस्तान में, हो सकता है तालिबान के थ्रू वो बैतुल्ला मसूद उनसे दोस्ती वगैरह थी, तो हो सकता है ये खाड जो है इनके लिए इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन उससे जो मिलाप करे, या प्रेसिडेंट कारजाई से जिसका कोई ताल्लुक हो वो हो सकता है कि इसको इन्फ्लुएंस करके करवाया हो। दोनों में मेरा कोई वो नहीं। तो परवेज मुशर्रफ का ये खुसूसी बयान आप मुलाहिजा कर रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि मुझे आसिफ अली जरदारी ने लज्जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया, लिहाजा आज मैं ये इंकशाफात कर रहा हूं और मैं बेनजीर भुट्टो के बच्चों से मुखातिब हूं, तीनों बच्चों से मुखातिब हूं। वो कहते हैं कि मीर मुर्तजा भुट्टो और बेनजीर का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि आसिफ अली जरदारी ने कराया। बेनजीर के कत्ल से फायदा किसको हुआ, यही सबसे अहम सवाल है। मुझे तो सरासर नुकसान हुआ, मेरे साथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि मैं जो है इख्तदार भी छोड़ बैठा। लेकिन वो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी को तो फायदा हुआ। वो कहते हैं कि बेनजीर को कत्ल बैतुल्ला महसूद ने कराया लेकिन इसके पीछे कोई और था और वही था जिसको फायदा हुआ। उधर अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं कि अदालतों को चाहिए कि बिला तफरीक कार्रवाई करे।